बिहार में रोजगार के मुद्दे पर गरमाई राजनीति के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत राज्य में संविदा पर बहाल कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। एक महीने की पूर्व सूचना या एक महीने का मानदेय देकर इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकता है। बता दें कि सरकार अब स्वीकृत पदों पर ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर पाएगी। वहीं यह जानकारी भी सामने आई है कि संविदा कर्मियों को नियमित नौकरी के लिए वेटेज दिए जाएंगे। पदों की नियुक्ति में अगर लेट हो रहा है तो वैसी स्थिति में संविदा के आधार पर बहाली होगी। यह तब तक के लिए ही होगी जब तक कि नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती। ये सभी संविदा पर बहाल होने वाले लोग सरकारी कर्मी नहीं माने जाएंगे। हालांकि स्थायी पदों की बहाली में इन्हें वेटेज दिया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक वेटेज मिलेगा, जबकि प्रत्येक 5 वर्षों में 25 अंक वेटेज दिए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई नियमावली के तहत पहले से कार्यरत संविदा कर्मियों का इकरारनामा तैयार हो चुका है। हालांकि खबर यह भी है कि कुछ विभागों में कार्यरत कर्मियों का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, जबकि ज्यादातर विभागों में कर्मियों के सेवा विस्तार पर रोक लगाई गई है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योजनाओं, परियोजनाओं, निगमों और सोसाइटी में तत्काल बहाली होगी। नियमित पदों पर 1 साल के लिए संविदा कर्मी की बहाली होगी। जिन खाली पड़े पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो रही है, वहां संविदा पर बहाली की जाएगी। बता दें, इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जाएगा। ये फैसला सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया है। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में राज्य में सभी विभागों में लगभग 11 लाख संविदा कर्मी कार्यरत हैं।